नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, मिशन कश्मीर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को लेकर हुई सकारात्मक बैठक के बाद बढ़ी हैं पाकिस्तान की मुश्किलें। जी हां, पीएम की बैठक में कई मुद्दों पर की गई चर्चा। कश्मीरी पंडितों को लेकर बैठक में हुई है बातचीत, तो वहीं परिसीमन को लेकर भी जम्मू कश्मीर के नेताओं से की गई है चर्चा, जिसको देखते हुए अब लगातार पाकिस्तान के होश उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, जो लगातार तमाम तरह का एजेंडा लेकर बैठक में शामिल होने की बात कहते दिखाई पड़े थे, वही नेता बैठक के बाहर निकलते हुए हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई पड़े हैं, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सकारात्मक बैठक की गई है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। जी हां, साफ तौर पर अब बैठक के बाद तमाम जो गिले शिकवे लगातार सामने आते रहे थे उनको दूर किया गया है, और ये तमाम बातें खुद ये तमाम गोपकार के नेता और तमाम जो विपक्षी नेता जो बैठक में शामिल हुए थे वो कहते दिखाई पड़े हैं। दरअसल आपको बता दे, 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ आज नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही थी, और ये बैठक 3 घंटे से ज्यादा के वक्त तक चली है, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, परिसीमन को लेकर चर्चा की गई है। जी हां, आपको बताते चले कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हर एक नेता को बोलने का पूरा आराम से समय दिया गया, और धैर्य के साथ सभी नेताओं की बातें सुनी गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को देखते हुए कई तमाम बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं, जिनका स्वागत गुपकार के नेताओं के सहित गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम नेताओं ने किया है। जी हां, आपको बताते चले कि बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बयान देते हुए कहा है कि दिल की दूरियां मिटाना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी को हम मिटाना चाहते हैं, और इसीलिए आज ये खासतौर पर बैठक की गई थी, जिसमें साफ तौर पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रेम भाव के साथ सौहार्दपूर्ण के साथ ये बैठक संपन्न की गई, जिसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर और तमाम जो बड़े बड़े एजेंडे जम्मू कश्मीर में लगातार लंबे समय से थे उस पर चर्चा की गई, और कैसे उसका निपटारा किया जा सके इस पर भी खास बातचीत की गई है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बैठक का जो एजेंडा था वो सकारात्मक रहा था, और इसमें हर एक नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर यह भी बताया कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अपनी 5 बड़ी मांगे रखी हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जा से लेकर तमाम कई मांगे की गई थी। और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ने यह भी 370 पर बोलते हुए कहा कि 370 हटाने पर सहमति नहीं ली गई है। जी हां, लगातार जिस तरीके से गुपकार के नेता ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि 370 और 35A के एजेंडे पर ही बातचीत की जाएगी, तो आपको बता दें कि 370 से लेकर 35A जैसे मामलों पर चर्चा इस दौरान बैठक में नहीं हुई है, और यही बड़ी वजह थी कि लगातार नेताओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण देखा गया, और सिर्फ जम्मू के विकास को लेकर इस दौरान बातचीत की गई है। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से, यानी कि गुलाम नबी आजाद की ओर से, कश्मीरी पंडितों को लेकर भी बड़ा फैसला करने की बात की गई है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा है कि अब जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों की भी वापसी को लेकर बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कश्मीर में पंडितों के साथ पंडितों के साथ जो अत्याचार किया गया था हम सबको पता है, और उसी को लेकर अब इस पर बड़ा फैसला लेने पर भी बातचीत इस दौरान की गई है। और साथ ही साथ इस दौरान राजनीतिक कैदियों को भी जेल से रिहा करने की मांग गुलाम नबी आजाद की ओर से की गई है। जी हां, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद से ही किस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल हमने देखा है, ये बड़ी वजह है कि लगातार अब कांग्रेस के नेता भी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग लगातार करते आ रहे हैं, और जिस तरीके से शांति और घाटियों में सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें जो पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की ओर से की जा रही थी उस पर भी विशेष ध्यान देने की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। इस मीटिंग के बाद अल्फाज बुखारी का भी बयान साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा बयान देते हुए कि अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और सभी को अपनी अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया था। जी हां, सभी ने विस्तार से अपनी बातें रखी है, और पीएम और गृह मंत्री ने हमारी
बातें अच्छे से सुनी है और उन पर विचार विमर्श करने को भी कहा गया है। जी हाँ, इसके अलावा अल्फाज बुखारी ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि पीएम ने कहा है कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। तो साफ तौर पर बुखारी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि अब परिसीमन को लेकर बातचीत की गई है, जिसको लेकर अब कई बड़े संकेत यहाँ पर पाकिस्तान को मिल रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से गुपकार तमाम जो गुपकार के नेता थे, तमाम जो कांग्रेसी नेता थे, जो तरह तरह की बयानबाजी मीटिंग से पहले कर रहे थे, लेकिन जिस एकजुटता के साथ, जिस सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से लेकर घाटी की शांति को लेकर आज ये बैठक की गई है, इसको लेकर अब जाहिर तौर पर पाकिस्तान की घबराहट बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अलगाववादी नेताओं को भड़काने का काम करता रहा है, लेकिन आज ये ऐतिहासिक मीटिंग में जो तस्वीरें साफ तौर पर निकल कर सामने आई है, इसने वाकई इमरान खान की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि तमाम जो नेता मीटिंग में मौजूद थे, मीटिंग से बाहर आते ही उनके चेहरे की जो खुशियां थी, जो उनके चेहरे का रिएक्शन था, इससे हम साफ तौर पर ये समझ पा रहे हैं कि मीटिंग में क्या कुछ रहा होगा और किस तरीके से एक शांत वातावरण में अपनी अपनी बातों को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा होगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो गुपकार गैंग के मेंबर सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पर जो बात करने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे, देखिए कैसे अब इस बैठक को लेकर सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि पीडीपी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग का भी बयान साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक बेहद ज्यादा शानदार हुई है। मैंने कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के मामले पर फैसला करेगा और मैंने धारा 370 की कोई मांग पीएम नरेंद्र मोदी के सामने नहीं रखी। वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता रविंद्र रैना का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि अब तक बेहद ज्यादा जरूरी था। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जिस तरीके से बड़ी बैठक का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, इसको लेकर लगातार तमाम विपक्षियों से लेकर विरोधियों से लेकर सबके होश उड़े हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि परिसीमन को लेकर जो खास चर्चा बैठक में की गई है, कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा बैठक में उठा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब आने वाले समय में कश्मीर की सूरत और ज्यादा बदलेगी, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेते हुए दिखाई पड़ रही है, ऐसे में साफ तौर पर एक कयास लगाए जा सकते हैं कि अब जो आज की तस्वीर अब ये सामने आई है, क्या इससे अब जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगी? हालांकि यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले जो बड़ी बैठक आज पीएम नरेंद्र मोदी की हुई है, जिसमें कई घंटों तक जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से तीसरे पायदान पर चुनाव किया जाए और किस तरीके से जो परिसीमन को लेकर जो पुनर्विचार करने का फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया था, अब इसको ध्यान में रखते हुए कैसे चुनाव को संपन्न कराया जाए। और हमने जिस तरीके से आपको बार बार बताया है कि पीओके और बलूचिस्तान को लेकर भी हो सकता है कि परिसीमन के पूरे आकलन के बाद बड़ा फैसला हो, और यही बड़ी वजह है कि लगातार इमरान खान अपने सेना प्रमुख के साथ कभी ISI के चक्कर काट रहा है तो कभी अपने अन्य तमाम सेना के अधिकारियों से बातचीत में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि आज की जो पीएम नरेंद्र मोदी की महामंथन जो जम्मू कश्मीर को लेकर होने जो हुई है, इसको लेकर अब तक जो तमाम तरह के कयास निकाले जा रहे थे कि आखिर क्या बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर को लेकर होगा, तो अब तस्वीर सबके सामने स्पष्ट हो चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर और कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा फैसला बहुत जल्द होने वाला है, जिसके बाद ही लगातार पाकिस्तान से लेकर तमाम कम्युनिस्टों के होश यहां पर उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से लगातार बैठक से पहले पाकिस्तान का राग अलापती हुई दिखाई पड़ी थी, एक बार फिर से बैठक के बाद, हालांकि सौहार्दपूर्ण बैठक होने की बात उन्होंने जरूर कबूली हो, लेकिन एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। जी हां, जम्मू कश्मीर को लेकर जो बैठक हुई है, इसके बाद महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया, जिन्होंने एक बार फिर
370 का राग अलापते हुए साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि 370 हटने से लोग परेशान हैं और हम 370 की जो मांग है लगातार उसको लेकर अपनी मांग को जारी रखते हैं और 370 जब तक नहीं हटेगा हम अपनी मांग को लेकर आले रहेंगे। तो साफ तौर पर एक बार फिर से जिस तरीके से पाकिस्तान का राग अलापती हुई महबूबा मुफ्ती दिखाई पड़ी है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कुछ एक दल के नेता ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना है। लेकिन आपको बताते चले कि आज की जो बड़ी मीटिंग में साफ तौर पर मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है अब तक जो माहौल अशांति का जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ था उसे खत्म करना है और यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम गुपकार के नेता तरह तरह की बयानबाजी हालांकि करते हुए जरूर दिखाई पड़े हो, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे बैठक के पहले गुपकार में भी दरार की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई थी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया था कि पाकिस्तान को लेकर जो भी बयान महबूबा मुफ्ती देती हुई दिखाई पड़ रही है वो उनका निजी बयान है। लेकिन आपको बताते चले इन तमाम बयानों को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी जम्मू कश्मीर के सुख शांति छीनने वाला अब हमारे रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की तमाम राजनीतिक पार्टियों से बातचीत आज हुई है और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आगे विकास को बढ़ाया जाए और कैसे अब चुनाव को लेकर जो चर्चा की जाए मंथन की जाए इसको लेकर खास बातचीत की गई है। इसको देखते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान बौखलाता हुआ और घबराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।